मस्ती खत्म हो चुकी है और ये बुलबुला अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अहमद करीम कुंडी साहब, सर गाड़ी कहीं खराब ही ना हो जाए, क्या कहेंगे? मेरे अपना जाती ख्याल तो ये है, इनके चार पांच जिन हैं इनको बोलने दें। जिस तरीके से ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, जिस तरह इन्होंने नफरत की सियासत को यहाँ पाकिस्तान में तरवीज दी है, जिस तरीके से गालम गलोच इन्होंने की है, ये मकाफात अमल है। ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। ये लोगों को इल्जाम लगाते रहे, जब लोग इनके साथ होते हैं तो वो तो फिर ठीक होते हैं, जब लोग इनको शीशा या आईना दिखाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि भाई यार ये बिक गए हैं। ये तो अभी आप आगे देखें, चार पांच दिन रह रहे हैं, इनको पता चल जाएगा। मैं तो पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, जो सरपरस्ती इनको थी ये पहले से ही ये एक बुलबुले की हैसियत रखते थे, सरपरस्ती की बुनियादों पर वो बुलबुला कायम था। सरपरस्ती खत्म हो चुकी है और ये बुलबुला अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। इल्जामात छोड़ें, अगर इनके पास अक्सरियत है तो ऐवान में आए और आइन के मुताबिक असेंबली के इजलास को मैं खड़े हूँ, आके अक्सरियत शो करें और अपनी हुकूमत करें। क्यों भाग रहे हैं, क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं? अगर इनके पास अक्सरियत है आइन के मुताबिक तो ये हुकूमत करें। ठीक हो गया सेनेटर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स सर। जी मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, पहले भी करता रहता हूं, कि जो इनकी एक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है वो तारीख भी याद रखेगी कि जो ज़बान इन्होंने अता की है गुफ्तगू की उस पर कुर्बान जाइए। जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो डिक्शन इस्तेमाल करते हैं, उनसे इनके इंटेलेक्चुअल और मॉरल लेवल का अंदाज़ा हो जाता है ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये कितने रिफाइंड लोग हैं, कितने जेन्युइन लोग हैं। और मेरी एक आपसे दरख्वास्त है आखिर में कि जब भी आप बुलाएं अपने इन दोस्तों को, इनसे पहले बात कर लें कि आप ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाइज्जत लोग भी आते हैं आपके सामने, ये आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने की। आपने मुकदमे झूठे बना लिए, केस ट्राई कर लिए, उनकी बच्चियों को बंद कर दिया, उनके बिस्तर छीन लिए, उनका ट्रायल करवा लिया, अभी आपकी कसर है ये गालियाँ देने की? खुदा का खौफ कहाँ है कोई? अल्लाह से डरें, आपका यौम हिसाब आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी आरफिन साहब, शुक्रिया। थैंक यू जी सर। अदील साहब, आपका यौम हिसाब आ रहा है, सेनेटर साहब के नज़दीक आपका यौम हिसाब आ चुका है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये जो चोरों का टोला है ये नाकाम होगा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो और मज़ीद मजबूत होकर आएंगे। और इस इनको भी ये बखूबी अंदाज़ा है, ये इसलिए बौखलाहट में जो है हुकूमत गिराने निकले हैं कि इनके सारों के सारों के, इन्होंने अभी कुछ माफियाज का जिक्र किया था, इन सब के केसेस राइप हुए हुए हैं। उधर वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज शरीफ भी, आसिफ, आपको मैं आपको शायद आपने मीडिया पर नहीं सुना होगा, आसिफ जरदारी साहब जो फेक अकाउंट स्कैंडल है ना, उसके अंदर नैब को प्ली बार्गेन के तहत पैसे वापस कर चुके हैं। ये बात सामने क्यों नहीं आई? ये आप जाके रिसर्च करें, इस पर देखें, निकालें। तो चेयरमैन नैब को टीवी पे बैठ जाना चाहिए था। उन्होंने 25 से 30 अरब रुपया जो है वो नैब को वापस किया है प्ली बार्गेन के अंदर। ये इन सब के इनको पता ही है, इन्होंने जेलों में जाना है। ये आपने एक नया पता खोल दिया, ये सारे के सारे जो है इन्होंने जाने, ये जो जिसकी बात करें ना गंदम की, के गंदम जो है वो बाहर से, इनका सिंध गवर्नमेंट जो है वो जखीरा अंदोजी में और उसके अंदर गंदम को गायब करने में नैब के साथ प्ली बार्गेन करके नैब को पैसे वापस कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सिंध में इन्होंने गंदम चोरी की है। एक नया मौजू एक प्रोग्राम में सामने आ गया है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप जाके रिकॉर्ड उठा के देख लें। गंदम की चोरी में भी ये नैब को प्ली बार्गेन कर चुके हैं आसिफ जरदारी। फिर एक नया मौजू खुल जाएगा, फिर मुझे तस्दीक या तर्दीद के लिए जाना पड़ेगा, मेरा ख्याल इसको यही वाइंड अप करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।